दोस्तों, मैं शहबाज खान आज आपको बताऊंगा कि आप घर पर ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जिससे आप रिमोट के जरिए अपने बल्ब, सीएफएल, फैन आदि को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको 3 ट्रांजिस्टर्स चाहिए, IR FZ 44 INK। दोस्तों, उसके बाद आपको ये दो तीनों टर्मिनल एक जैसे ही होंगे। इन दो टर्मिनल से बीच बीच वाले टर्मिनल को हटा देना है, जैसे इन दोनों में से मैंने हटा दिया है, इस पे ये बीच वाले का रखना है। उसके बाद आपको एक कैपेसिटर चाहिए 16 वोल्ट 1000 UF का। IR रिसीवर चाहिए, देख सकते हो, एक 2.5 mFD का कैपेसिटर चाहिए जो फैन में यूज़ लेते हैं। इनपुट के लिए चाहिए जिसे हम लाइट इनपुट करेंगे डिवाइस में। आउटपुट के लिए सॉकेट, चेक करने के लिए कोई भी टीवी, डीटीएच या अपने मोबाइल फ़ोन का रिमोट। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको तीनों ट्रांजिस्टर को एक सिल्वर प्लेट, किसी भी सिल्वर प्लेट पर कस लेना है ताकि जो उनकी गर्माहट है वो सिल्वर प्लेट्स के जरिए कंट्रोल होती रहे। देखिए जी, इस तरह से आप कस लेना है। जिसमें 3 टर्मिनल हैं उसको बीच में रखना है, और जिनमें 2-2 रखे हैं हमने उन दोनों को बगल में रखना है। अब इन तीनों को हमें कस देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको इस वाले टर्मिनल को इस वाले टर्मिनल से जोड़ देना है और इस वाले को इस वाले से। अब मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ। देखिए जी, ये हमारी इनपुट सप्लाई है, इसका हमें एक वायर सीधा आउटपुट सप्लाई में लेना है। देखिए, इनपुट में से ये सीधी सप्लाई एक आउटपुट में देनी है। शुरू चल रही है। उसके बाद ट्रांजिस्टर, ये हमारे टी वाले ट्रांजिस्टर्स हैं, ये 1000 UF और 16 वाट का कैपेसिटर है। ये 2.5 mFD का कैपेसिटर, ये हमारा IR रिसीवर है। इससे इनपुट हमें सबसे पहले बीच वाले ट्रांजिस्टर के टर्मिनल में देनी है। यहाँ पर इन दोनों को एक कर देना है, और इन दोनों को एक कर ये आउटपुट की सप्लाई निकलेगी। उसके बाद जो हमारा IR रिसीवर है उसका एक सीधा वायर इस वाले में देना है, बीच वाला 1000 UF वाले माइनस में देना है, और इसका प्लस वाला सीधा ट्रांजिस्टर के टर्मिनल में देना है। IR रिसीवर का तीसरा वायर होगा जो ये वाला, ये हमें यहाँ से सीधे ट्रांजिस्टर, यहाँ पर ये दोनों ट्रांजिस्टर के एक इस सिरे पर लगाना है। इस वाले जो 2.5 mA कैपेसिटर है, इसका एक वायर सीधे इस वाले टर्मिनल यहाँ पर लगाना है, और दूसरा यहाँ पर जो हमारी आउटपुट सप्लाई निकलेगी, जो यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच में होकर यहाँ से ये हमारी आउटपुट सप्लाई निकलेगी। तो चलिए बनाते हैं। इस तरह से इन दोनों को जोड़ लेना है, इसमें जोड़ लेना है। इसके बाद कैपेसिटर्स में वायर जोड़ देना है, इस तरह जोड़ लेना है, माइनस वाले में नीला वाला लगाना है। ध्यान रखिए, जहाँ ये एक ब्लैक कलर की लाइन है, ये माइनस वाला है। ये हमारी आउटपुट सप्लाई है, इसमें एक वायर और जोड़ लेना, इस वाले को यहाँ पर लगाना है। इस दूसरे वाले को यहाँ पर लगाना है। इनपुट सप्लाई आपको सीधे एक वायर यहाँ पर देना है, कोई सा भी दे सकते हो, और एक सीधा आउटपुट वाली सप्लाई में जोड़ देना है इस वाले में। जैसे मैं यहाँ से एक वायर जोड़ देता हूँ इसमें, इस तरह से, और इस पर स्लीव डाल देना। ये वाला हमें बीच वाले टर्मिनल में जोड़ना है, इस तरह से जोड़ना है। जो हमारा 2.5 mFD का कैपेसिटर है, उसका हमें एक वायर इस वाले में देना है, और एक वायर इस वाले में देना है। आप इसमें किसी भी वायर किसी में भी लगा सकते हो। इस तरह से जोड़ देना है। अब हमें छोटे वाले कैपेसिटर को जोड़ना है, इसका प्लस वाला वायर यानी माइनस वाला, ये वाइट कलर वाला, इसमें जोड़ना है, इसी वाले बीच वाले टर्मिनल में। देखिए, इस तरह जोड़ देना है। अब हमें इसमें IR रिसीवर को लगाना है। अब इसमें रेड वाला वायर यानी बीच वाला IR ट्रांजिस्टर का, वो कैपेसिटर के माइनस वाले से जोड़ना है, अटैच करना है।
देखिए ये मैंने अटैच कर दिया है, और इसके ऊपर सिर डाल देता हूँ। इसमें दोस्तों ब्लैक वाला वायर, यानी ये वाला वायर, ब्लैक वाला, ये वाला यहाँ पर अटैच करना है इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के बीच में, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं। देखिए इस तरह से लगा देना है। अब लास्ट वाला ट्रांजिस्टर का जो ये वाला वायर है, ये हमें यहाँ पर लगा देना है। दोस्तों डिवाइस बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, यूज़ कर सकते हैं। कि हमें आउटपुट देगा और ये हमें इनपुट देना है इसमें से। दोस्तों इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, पर उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी, आवाज़ नहीं आ रही थी और अच्छी तरह से बना भी नहीं पाया था। तब देख लीजिए आप, अब इसका हम टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग के लिए बल्ब लगाते हैं। दोस्तों बनकर तैयार है, मैंने बल्ब भी लगा दिया है। अब रिमोट से चेक कर कर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता। देखिए पावर ऑल बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों कर रहा है काम। दोबारा ऑफ कर देता हूँ, ऑन करता हूँ, ऑन करता हूँ, देखिए दोबारा से ऑफ करता हूँ। चलो फ्रेंड्स फैन चलाकर देखते हैं। दोस्तों फैन तो है रही, एलईडी बल्ब की टेस्टिंग करते हैं। ऑफ करता हूँ अब इसको, दोबारा ऑन करता हूँ, ऑफ करता हूँ, ऑन ऑफ करता है, ऑन कर दिया। शुक्रिया दोस्तों देखने के लिए, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी दिल में बात हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू जल्दी।